नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ सीखिंग सॉल्यूशन में। मैं हूं विजय वर्मा। आज हम लोग इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जो एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें इनइक्वलिटी से सवाल आ रहे हैं। तो इनइक्वलिटी पहले के सिलेबस में नहीं था, पहले पूछा नहीं गया था, लेकिन इस बार से वो पूछना शुरू किया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनइक्वलिटी के क्या क्या रूल हैं और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्या सवाल हैं जो कि परीक्षा के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वलिटी। तो सबसे पहले जानिए कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में क्या अंतर है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी और इक्वलिटी, इनइक्वलिटी में जैसे क्या मैं बोलता हूं x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7, तो ये क्या होगा, x ग्रेटर देन आपका 4 होने वाला है, 3 को ले जाएगा 7 माइनस 3 को। तो हमने क्या देखा कि x क्या है, ग्रेटर देन 4। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 लिखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 4 है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो वैल्यू आने वाला है 4 से क्या है, बड़ा आने वाला है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, कहने का मतलब क्या, आपका एक ही वैल्यू आने वाला आया है, वो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, आपका एक ही सोल्यूशन निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए x ग्रेटर देन 4, कहने मतलब 4 से बड़ा, जितने सारे हैं सभी इसके सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में और क्या क्या सा रूल है। तो इनइक्वलिटी में सबसे पहले चीज बता दूं कि अगर मैं कहता हूं कि x बड़ा है y से, ठीक है, पहला रूल देखिए, x अगर बड़ा है y से, अगर मैं दोनों साइड में कोई भी चीज जोड़ता हूं, जैसे कि मैं सपोज कीजिए x प्लस a और y प्लस a, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड प्लस a किया, तो क्या ऐसा करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है, जी नहीं। प्लस करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर दोनों साइड आप कुछ ऐड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला। अगर मैं क्या सबट्रैक्ट करता हूं तो चेंज होने वाला है क्या, जी नहीं, तो भी चेंज नहीं होने वाला। अगर आप कोई भी चीज इसे सबट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, तो कोई भी इनइक्वलिटी का साइन में इसका चेंजिंग नहीं होने वाला है। फिर उसी तरह से अगर मैं a सपोज कीजिए कि पॉजिटिव नंबर है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, और अगर मैं बोथ साइड में, ठीक है, बोथ साइड में मैं a से क्या किया हूं, मल्टीप्लाई किया हूं, जो कि a क्या है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर है, तो इस तरह से इनइक्वलिटी का साइन में कोई चेंजिंग नहीं है, यहां भी ग्रेटर देन है, यहां भी ग्रेटर देन है। फिर उसी तरह से सोचिए कि अगर मैं x को a से डिवाइड करता हूं और y को a से डिवाइड करता हूं और a आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि a क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका इनइक्वलिटी का साइन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं a का वैल्यू कैसा लेता हूं, लेस देन 0 लेता हूं, मतलब 0 से छोटा लेता हूं, यानी नेगेटिव नंबर लेता हूं, और अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आपका जो ग्रेटर देन साइन है वो बिल्कुल आपका यहां पे क्या होने वाला है, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से आप सोचिए a ग्रेटर देन 0 नहीं लेके मैं a लेस देन 0 लेता हूं, तो इनइक्वलिटी का साइन आपका क्या होगा, चेंज होने वाला है, तो आपका चेंज हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि अगर दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जा रहा है। ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो यही है बेसिक रूल इनइक्वलिटी के। और क्या रूल है, चलिए देखते हैं। अभी क्या है, मैं लिखता हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अभी मैं इसको क्यूब करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए जब दोनों साइड जब मैं क्यूब करता हूं तो 125 और 27 आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि 125 क्या बड़ा है 27 से, तो अभी बड़ा, ये जो पहले साइन था ग्रेटर देन का, अभी भी ग्रेटर देन, मतलब इनइक्वलिटी का साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ जब मैंने क्यूब किया बोथ साइड। फिर आप सोचिए कि मैं ले लेता हूं -3 और -5 लेता हूं, तो -3 आपका क्या है, बड़ा है -5 से। जब आप क्यूब करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको -27 और -125, तो अभी भी स्टिल क्या है, -27 क्या है, बड़ा है, किससे, -125। तो अभी दोनों साइड नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव नंबर था, तो भी क्यूब करने से भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अभी आप और एक चीज देखिए, अभी मैं लेता हूं कि 3 और -5 लेता हूं, तो 3 क्या है, बड़ा है -5 से, तो जब आप क्यूब करते हैं तो कितना मिलने वाला है, 27, और आपका ये 1
25। अभी आप मेरे को बताइए 27 क्या है, 12 है माइनस 125 से। तो आपने अभी क्या देखा कि जब मैं q करता हूं तो इनइक्विटी का साइन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो आप रूल, एक रूल जैसा लिख सकते हैं यहां पे, सपोज कीजिए कि आपका a यहां पे क्या था, 5 था, मतलब 0 से बड़ा था, a इज ग्रेटर देन 0, और b भी क्या 3 है, मतलब 0 से बड़ा है, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि a क्या है, बड़ा है b से। तो ऐसे सिचुएशन में जब aq और bq जब करते हैं तो इनइक्विटी का साइन बिल्कुल ग्रेटर देन ही रहता है, चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आप यहां पे देखिए a क्या है, लेस देन 0 है, जो कि -3 है, 0 से छोटा होगा, b भी क्या है आपका लेस देन 0 है। तो आप देख पा रहे हैं ये भी कि a क्या है आपका यहां पे, बड़ा है b से, a बड़ा है b से। तो जब आप क्यूब करते हैं, ठीक है, जब आप क्यूब करते हैं तो भी इनइक्विटी का साइन क्या है, बिल्कुल वही रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। फिर आप यहां पे थोड़ा देख लीजिए कि यहां पे क्या है आपका a ग्रेटर देन 0 है, जबकि b क्या है लेस देन 0। देखिए a का वैल्यू 3 है, पॉजिटिव है, b का वैल्यू क्या है -5 है, जो कि 0 से छोटा है, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि a क्या है, बड़ा है b से। तो जब आप a का क्यूब करते हैं या b का क्यूब करते हैं तो इनइक्विटी का साइन क्या हो रहा है, बिल्कुल वही रहा है, ग्रेटर देन था तो अभी भी ग्रेटर देन है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीन कंडीशंस है, तो ये तीनों में आप याद करने का क्या, ये बिल्कुल ऑब्वियस मैटर है कि जब हम क्यूब करते हैं बोथ साइड में, कोई भी इनइक्विटी में बोथ साइड अगर क्यूब करते हैं तो इनइक्विटी का साइन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता, लेकिन स्क्वायर करते हैं तो चेंजिंग होता है। चलिए देखते हैं इसी चीज को, आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब हम आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 25 मिलने वाला है और 9 मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देखें 25 और 9, मतलब 25 क्या बड़ा है 9 से, मतलब आपको फिर वही कंडीशन, देखिए a बड़ा है जी से, a बड़ा है 0 0 से, b भी बड़ा है 0 से, और a बड़ा है b से। इस सिचुएशन में जब आप a का स्क्वायर करते हैं और b का स्क्वायर करते हैं तो इनइक्विटी का साइन कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर आप देखिए यहां पे जब आप इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 होने वाला है, जब आप इसको स्क्वायर करते हैं तो आपको 25 मिलने वाला है। तो आप देखिए यहां पे 9 बड़ा है क्या 25 से, बिल्कुल नहीं। सो आपका इनइक्विटी का साइन क्या हो रहा है, आपका चेंज हो जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिए थे, आप लेस देन जीरो लिए थे, बी लेस देन जीरो लिए थे, ए ग्रेटर देन बी था। तो आप जब इसे ही स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका इनइक्विटी का साइन क्या हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। कंडीशंस ध्यान दीजिए, फिर आप यहाँ पे देखिए जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पे 9 मिलने वाला है और यहाँ पे 25। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि 25 क्या है, बड़ा है 9 से। तो आपका कंडीशन क्या हो गया, ए ग्रेटर देन 0 है, बी लेस देन 0 है, और a ग्रेटर देन b था। जैसे आप इसको स्क्वायर करते हैं तो आपका कंडीशन क्या बन जा रहा है, लेस देन बन जा रहा है, ठीक है। और इसमें भी और एक चीज देख सकते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने 3 लिया पॉजिटिव, अभी a को आप क्या कीजिए, -3 ले लीजिए और यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है। तो आपका 5 क्या है, बड़ा है। तो आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं क्या होगा, 9 और 25। तो आपको क्या देखा, 25 बड़ा मिला। कहने मतलब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या आ रहा है, कोई भी आप नंबर एक लेते हैं, ए ऐसा नंबर लिया जो कि लेस देन 0 था, और बी आपने क्या लिया था, ग्रेटर देन 0 लिया था। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ए क्या था, आपका लेस देन बी है, और जब जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं तो इनइक्विटी का साइन में क्या आ रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा। देखिए अब हम लोग थोड़ा नंबर लाइन का जो डायग्राम होता है उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन 3, तो हम लोग इसको कैसे लाइन में लेते हैं, नंबर लाइन में, तो माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी, और x इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, 3 लिखता हूं। और अभी देखिए क्या लिखा, x का वैल्यू क्या है, 3 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 3 से बड़ा लेंगे, और साथ में क्या है, 3 इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे। आने का मतलब क्या है कि 3 नॉट इंक्लूडेड। अभी मैं लिखता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो फिर उसी तरह से आप माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी लेंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू 3, और यहाँ पे क्या है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब तो 3 से तो बड़ा है, साथ में उसके बराबर भी है। जब बराबर आपको बोला जाएगा तो यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, आप इसको डार्क कर देंगे। कहने का मतलब क्या होता है कि 3 इसमें इंक्लूड है। अभी आप देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि x इज लेस देन 3, ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी, सो x इक्वल टू 3, x का मतलब क्या है, 3 से छोटा है, कहने का मतलब क्या है आपका इधर आने वाला है। और आप देखिए 3 यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है, कहने का मतलब क्या है आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे डाल देना है, मतलब नॉट इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड। अभी फिर उसी तरह से सोचिए x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो आपका यहाँ पे माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी x इक्वल टू 3, अभी देखिए यहाँ पे इधर आने वाला है आपका लेस देन 3, फिर साथ ही क्या है 3 इक्वल है, कहने का मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे।
पैरा का मतलब क्या है, थ्री इसमें इंक्लूड है। तो इस तरह से हम लोग इस सिचुएशन को समझते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए क्या होता है। हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े हैं एंड और के बारे में, चलिए इसको थोड़ा देखते हैं ये क्या है। तो एंड के बारे में हम लोग पढ़े हैं, एंड में क्या होता है कि इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन होता है, जैसे कि ऐसे करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है आपका यूनियन होता है, करें मतलब यूनियन। अभी देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या है, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि एक सेट है एक सेट है, इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या आपको ये पार्ट लेना है सिर्फ, ठीक है, जबकि यूनियन में आपका क्या रहता है कि आपको सब चीज लेना है, मतलब पूरा का पूरा पार्ट लेना है, पूरा यूनियन में पूरा का पूरा होता है और इंटरसेक्शन में आपका सिर्फ यही वाला लेता है। तो याद रखिए कि एंड और का मतलब क्या होता है ऑल, एंड का मतलब क्या होता है जो कॉमन आपका पार्ट है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, चलिए देखते हैं क्या है। अभी मैं कहता हूं कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 10, इसका क्या मीनिंग। तो देखिए जब आप माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी लेते हैं और आपका 3 और आपका 10 है, देखिए x डबल, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स का 3 से बड़ा, करने का मतलब आप किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। फिर क्या x का वैल्यू ग्रेटर देन 10, करने का मतलब क्या, हाँ कहाँ पे आप जा रहे हैं, बिल्कुल इसी पार्ट में फिर जा रहे हैं, दोबारा रिपीट हो गए। तो आप देख लिए कि एंड का मतलब क्या दिया है, कॉमन पार्ट, तो कॉमन कौन है भाई, इधर से जब एक लिए तो 3 से इंफिनिटी तक गया, जबकि यहाँ से क्या है 10 से, मतलब ये जो पार्ट आपका बन रहा है इंफिनिटी तक, ये पार्ट क्या है आपका कॉमन है। करने का मतलब क्या है कि यही आपका क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। करने का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 10 ही आपका क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सपोज कीजिए कि मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, और लेता हूँ, तो और लेने से आपका क्या होने वाला, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये आपका 3 है और 10। तो आप देखिए क्या लिखा, एक्स ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा ले लीजिए, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 10 का मतलब 10 से बड़ा ले लीजिए, लेकिन और है ना, और का मीनिंग क्या होता है ऑल, करने का मतलब सब चीज लेना है, जितना डार्क है सब लेना, करने मतलब एक्स ग्रेटर देन 3 आपका आंसर होने वाला इसका, ठीक है। फिर आप सोचिए और दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए मैं लेता हूं एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन, लेता हूं लेस देन 5, तो इसका क्या मीनिंग है, सो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव आपका 3 और 5, क्या x इज ग्रेटर देन 3 तो 3 से आप बढ़ा लीजिए, फिर क्या x इज लेस देन 5 तो 5 से नीचे ले लीजिए। तो आप इस तरह से कहां पा रहे हैं कि जो दोनों रीजन आपका कॉमन बन रहा है, तो यही पार्ट आपका क्या है कॉमन है। करने का मतलब जो है x का जो वैल्यू आपका मिल रहा है वो 3 और 5 के बीच में, अरे ही आपका क्या होने वाला है सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। अभी आप देखिए इसको मैं क्या करता हूं और लिखता हूं, ठीक है, और लिखता हूं। तो आप यहाँ पे सोचिए माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ये 3 और 5 है, तो क्या लिखा x इज ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा, फिर क्या x लेस देन 5 है, करने का मतलब क्या है आपको 5 से छोटा लेना यानी 5 से छोटा लेके। तो आप देखिए और का मीनिंग क्या है, ऑल करने से सब लेना है आपको, करने का मतलब क्या है x का जो वैल्यू आपका बिलोंग्स कर रहा है वो आपका कहां माइनस इंफिनिटी से लेके कहां पॉजिटिव इंफिनिटी तक बिलोंग कर रहा है, करने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है ऑल रियल वैल्यू के लिए, मतलब x का जो वैल्यू आने वाला है ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है। आपको ये सिंबल आपको पता होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल बोलते हैं इसे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट मैं लेता हूं x इज ग्रेटर देन 3 एंड मैं ले लेता हूं x लेस देन 0, इसका क्या मीनिंग है, सो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी आपका वैल्यू क्या है 0 और 3 है, x इज लेस देन 0 करें मतलब क्या 0 से छोटा लेना है, अभी x इज ग्रेटर देन 3 3 से आपको क्या बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा एंड, एंड का मतलब क्या इंटरसेक्शन पार्ट, तो इंटरसेक्शन पार्ट कुछ मिल रहा है क्या आपको, कुछ भी नहीं, दोनों में से कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, करने का मतलब क्या है इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। फिर इसी में सोचिए एंड के जगह पे मैं क्या करूं और ले लेता हूँ, ठीक है, तो देखिए x इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा, x इज लेस देन 0 तो ये हो गया। तो अभी सोचिए कि और में क्या है ऑल सॉल्यूशन, करने का मतलब क्या जो जो पार्ट आपका आया हो वही आपका सॉल्यूशन, करने का मतलब माइनस इंफिनिटी से आपका 0 जो है आपका ये सॉल्यूशन बनने वाला, साथ ही साथ और भी आपका क्या सॉल्यूशन बनने वाला है
थ्री से लेके इन्फिनिटी तक आपका सिस्टम आने वाला है। सो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्स का जो आंसर आने वाला है वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आएगा, साथ ही साथ थ्री से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। तो यही आपका सोल्यूशन, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, क्या है आप यूनियन भी लिख सकते हैं, और का मतलब वही है यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन है। अभी आप देखिए थोड़ा सा मैं क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में बता देता हूं। देखिए एक क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि एक्स का वैल्यू आपका एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स का वैल्यू आपका क्या है माइनस थ्री और पांच के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसके इक्वल भी, तो आप इसका मतलब क्या होता है कि जो एक्स का जो वैल्यू आपका आने वाला है वो माइनस तीन और पांच के बीच में है और बराबर भी है। तो आप इस तरह इसको लिखते हैं माइनस तीन और पांच के बीच और बराबर, तो ये आपका क्लोज इंटरवल का साइन हो गया, ये आपका ओपन इंटरवल का साइन हो गया। अभी आप इसको बोलते हैं क्लोज और ओपन, ठीक है, इस तरह का रहेगा, क्लोज एक तरफ से क्लोज है, दूसरा साइड ओपन, दूसरा क्या है ओपन और क्लोज, तो इसमें देखिए पहले ओपन है वाला बाद में क्लोज, तो ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि ओपन इंटरवल को कुछ लोग इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिए, जैसे किसी को है ओपन क्लोज है तो ओपन ऐसे लिख देगा और क्लोज ऐसे लिख देगा, तो इस तरह से इसका और इसका सेम मीनिंग, ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग, क्लोज सॉरी ओपन को लोग कुछ इस तरह से साइन में भी लिख सकते हैं, कोई बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, ये आपका क्लोज ओपन इंटरवल, ये ओपन क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे आपको क्या है कि देखिए इक्वल है ना, इसीलिए आपको क्या लेना पड़ रहा है ऐसे। अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सोचिए कि मैं एक क्लोज और ओपन करना चाहता हूँ, तो ये आपका क्या है क्लोज दे दीजिए, ये ओपन है, तो करने का मतलब क्या है आपका ये क्लोज हो जाएगा। फिर उसी तरह से सोचिए कि ओपन क्लोज करना चाहता हूँ, ये ओपन हो गया ये क्लोज है, करने का मतलब ये आपका ओपन होने वाला है और इस तरह से ये आपका क्लोज है। तो इस तरह से इस सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक सवाल लिया है, इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप बहुत ही आसान है। देखिए आप सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस आपका फाइव एक्स माइनस फोर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी ग्रेटर देन जीरो, सो एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस फोर, ये आपका आ गया, दो आपका लीनियर फैक्टर आ गया। अभी आप क्या करेंगे, जब भी आप इसको सॉल्व करते हैं आपको तो नंबर लाइन बनाना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, दो वैल्यू आपके पास, एक एक्स का वैल्यू माइनस फोर है और एक्स का वैल्यू फाइव है, तो आप पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजा देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो वैल्यू आप छोटा है सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा होगा। फिर आप क्या कीजिए, एक कॉमन चीज है अगर याद रख सकते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिले और ग्रेटर देन का सिंबल मिले तो हमेशा आपका बियॉन्ड ही आंसर आने वाला है, ठीक है, वो जो पॉइंट दिया पॉइंट के बियॉन्ड ही आपको आंसर होने वाला है। देखिए हमने क्वेश्चन लिया है ये, और एक क्वेश्चन है इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस तीन चार है बारह एक्स तीन चार है बारह, अब आप इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये आपका जीरो। देखिए ये यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ भी माइनस एक्स किया यहाँ भी माइनस एक्स किया, तो माइनस एक्स से क्या बन गया जीरो बन गया, लेकिन वो क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव आप एड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ना और घटाना इनइक्वालिटी में आप आगे पीछे कुछ भी ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मल्टीप्लाई में भी आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव से जब करते हैं तो फर्क ध्यान रखिए। तो हमने एक्स को इधर आराम से ला सकते हैं, अभी आप देखिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन जीरो बारह किया छत्तीस हो गया, तो आप इसका सॉल्यूशन क्या निकलना है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व लेस देन जीरो, आप थ्री एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपका एक्स माइनस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, सो आपके पास आ गया एक्स माइनस थ्री और थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह से आप ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आपके पास है एक आपका थ्री आ रहा और दूसरा वैल्यू आपका फोर बाय थ्री आ रहा, सो फोर बाय थ्री को पहले लिखेंगे क्योंकि पहले छोटा लेना है बाद में उसे बड़ा सा लिखना है, सो ले लिया। अभी देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जब आपका
इस तरह का इक्वेशन आए, ध्यान दीजिए एक्सएसएल का ऑपरेशन पॉजिटिव है और आपका यहाँ पे क्या है लेस देन आ रहा है, ध्यान दीजिए लेस देन आ रहा है, तो लेस देन में आपको क्या लेना है बीच वाला पार्ट को लेना है, तो बीच वाला पार्ट आप ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आपका वैल्यू 4/3 और 3 के बीच में लाइक कर रहा है, सो एक्स का जो वैल्यू आपको आ रहा है वो आपका यही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अभी आप देखिए कि अगर इसमें इक्वल रहता तो बिल्कुल आप यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते, इसी को बराबर कर देते। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ, सो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x² - 4x, इसे इधर ले जाएंगे लेस देन जीरो, सो 2x² - 5x - 12 लेस देन जीरो, तो आपको कितना आ रहा है 12 × 24, ठीक है, और 8 × 24 8 × 3 = 5, सो आपका ये 8x + 3x - 12 लेस देन जीरो, तो 2x बाहर ले लिया तो x - 4 + 3x - 4 लेस देन जीरो, सो x - 4 और आपका 2x + 3 लेस देन जीरो, कहने का मतलब आपका वैल्यू जो आ रहा है माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी में, देखिए आपका वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू -3/2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, तो आप देखिए फिर वही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है पॉजिटिव है, अब चूंकि लेस देन है तो लेस देन में आपको कहाँ जाना है, अभी आपका देखिए ये लेस देन आ गया है, सो लेस देन आ गया कहने का मतलब आपको कहाँ जाना है, बीच में आपका सोल्यूशन बनने वाला है, तो बीच में सॉल्यूशन करने का मतलब एक्स का जो वैल्यू आपका आ रहा है वो -3/2 से लेके 4 के बीच में आपका सॉल्यूशन निकल रहा है। थैंक यू, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अगले वीडियो में मैं कुछ और सवालों के साथ आऊंगा, थ्योरी पार्ट बिल्कुल इतना ही था, अब सवाल ही बनाऊंगा अगले वीडियो में।